अभी हमारी सिक्योरिटी लिफ्ट पे है। अभी ना हमने इसको वॉश किया है, वॉश करके आप देख सकते हो इसका लुक, सर्विस भी हो गई है। गैराज टीवीएस यहाँ हमने परचेज़ किया है, देख सकते हो अवेलेबल है जहाँ हमने परचेज़ किया है। ये रहा सारा कुछ, देख सकते हो नए भी अवेलेबल है। अगर आप भी आना चाहते हो, मैंने आपको एड्रेस बताया कहाँ आना है आपको। रोड की हालत वैसे ही थी, आज बहुत टाइम के बाद आया इस रोड पे सोपोर टू कुपवाड़ा हाईवे। आप देख सकते हो रोड हालत क्या है, शैम आने चाहिए। ट्रैक वाले वहाँ लाइसेंस नहीं है, बाकी डॉक्यूमेंट्स हेलमेट सब कुछ है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज योर गावर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो जी गाइस, बहुत टाइम के बाद मुझे मोटो व्लॉग करना है आज, तो कहाँ जाना है, गैरेज टीवीएस पे। सबसे पहले एंटारो को सर्विस करनी है और उसके बाद उसका शॉकर लूज़ हो गया है, वो भी ठीक करना है। तो थोड़ा सा टेंशन है, ऑटोमेटिक उसका शॉकर लूज हुआ है, तो देखते हैं वहाँ पता चलेगा क्या सीन है उसका। तो करते हैं जी इस प्यारी सी व्लॉग को स्टार्ट। तो जी गाइस, ये रही बाहर डिस्कवर, ये बाइक की ओवीएस बाइक की है, वो जो चला रहे हैं मेरी इंटरक है बाहर। ये वाला शकर लूज हो गया था, लेते हैं हम नाम करते हैं इस सफर को स्टार्ट। तो आपको टेंशन है, टेंशन क्यों है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। शकर राइट साइड जो शकर है वो ऑटोमेटिकली लूज हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्यों हो गया, क्या मसला है। ऑलमोस्ट ये सफर हमें 62-63 किलोमीटर निकालना है, डबल हो गए 122 किलोमीटर। पहले हम तेल डालेंगे, उसके बाद होप्स हो ये सफर अच्छा रहे। तो आप लोग भी दुआ करना, बहुत टाइम के बाद मैं आज फोटो का कर रहा हूँ। तेल डालेंगे पहले, ट्रैक वाले वहाँ लाइसेंस नहीं है, बाकी डॉक्यूमेंट्स हेलमेट सब कुछ है। कर भी सुनता है, करते हैं जी आज ट्राई यार, सो दुआ अल्लाह करें ना हो जाए कुछ। लाइसेंस का मसला था तो बाकी कुछ नहीं था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ रेडी था। फाइनली गाइस, अभी हम कुपवाड़ा पहुंच गए मेन मार्केट, यहाँ से हमें डायरेक्टली जाना है सोपोर। अभी बहुत दूर सफ़र है यार, क्या ऐसा ऐसा चलाना पड़ता है क्योंकि इसका जो शॉकर का मसला है, हम नहीं चाहते हैं कुछ और हो जाएगा, अल्लाह ना करें। मैन मार्केट कुपवाड़ा, यहाँ से हम सोपोर की शुरुआत करते हैं। हमें ऐसा ऐसा चलना होगा वरना मेरा भाई ऐसा कहाँ चाहता था अगर स्कूटी ठीक होती। इस रोड की हालत वैसे ही थी, आज बहुत टाइम के बाद आया इस रोड पे सोपोर टू कुपवाड़ा हाईवे। आप देख सकते हो रोड हालत क्या है, शैम आने चाहिए। छोटे छोटे रोडों को वो मैग्नमाइज किया गया है, लेकिन ये देखो इसकी हालत क्या है। मैंने सोचा ये क्लियर किया होगा, लेकिन वैसे ही है। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम ध्यान दो, ये तो हाईवे है, कोई छोटा रोड नहीं है। ये हमें सोपोर 7 किलोमीटर होंगे लेफ्ट, वहाँ से जोधा दिखाना था तो तकरीबन हमने 7 किलोमीटर निकाले हैं। हम चल रहे हैं यहाँ से, रोड थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा तेज चल रहे हैं।
वरना इसको तेज जलाना नहीं है। डीजल मैंने आपको बता दिया, तकरीबन 3 महीने के बाद आज इस रोड पे ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। और यहाँ से पहले हमें अमरगढ़ जाना है जहाँ रेलवे रोड आता है, पहले जाना है जहाँ हमने परचेज किया है इसको, जहाँ मैं ली थी शोरूम पे, उसके बाद गैराज में जाएंगे। ये है ना रेलवे रोड, राइट राइट, हाँ यहाँ है। चलो देखो गाड़ी पीछे पीछे बाइक है, हाँ डायरेक्ट जाता है गैराज टीवीएस पे। अगर आप लोगों से में कोई इंटरेस्ट है वो यहाँ आ सकता है गैराज टीवीएस। मैं आप लोगों को शोरूम भी दिखाऊंगा, एक बार मैंने दिखाया था। पुल से आगे जाना है थोड़ा सा, वहीं पे गैराज टीवीएस है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो क्या प्यारा व्यू आता है। इस पुल से आगे हमें जाना है, वो आप लोगों को मैं दिखाऊँगा आगे कहाँ है। मैंने एक बार दिखाया था आपको, शायद आप लोगों ने देखा होगा। रेत वेत इसी में मिलता है शायद। गाइस गैराज टीवीएस यहाँ हमने परचेज किया है, देख सकते हो अवेलेबल है जहाँ हमने परचेज किया है। ये रहा सारा कुछ, देख सकते हो नए भी अवेलेबल है। अगर आप भी आना चाहते हो, मैंने आपको एड्रेस बताया कहाँ आना है आपको। शोरूम तो मैंने आपको दिखाया था शोरूम कहाँ है, अगर आप भी आना चाहते हो तो आ सकते हो। बिल्कुल इनकी सर्विस आप लोग देखना, एक बार चेक करना, बिल्कुल अच्छी तरीके से कस्टमर को मेंटेन करते हैं। अगर आप फाइनेंस भी लेना चाहते हो, फाइनेंस भी है, एक ही दिन में सब कुछ होता है। यानी एक बार देखो इनका गैरेज दिखाएंगे, गैरेज कहाँ है जहाँ पे ये सर्विस वगैरह करते हैं, वो थोड़ा सा आगे है। ये रहा गैरेज टीवीएस जहाँ पे सर्विस वगैरह करते हैं, डायरेक्ट अंदर। देख सकते हो यहाँ पे सारा कुछ, लिफ्ट इसके ऊपर चढ़ाते हैं फिर सर्विस करते हैं। ये रही हमारी समय अटेंशन, अभी हमारी सिक्योरिटी लिफ्ट पे। अभी ना हमने इसको वॉश किया है, वॉश करके आप देख सकते हो इसका लुक, सर्विस भी हो गई है, वॉशिंग भी हो गई इसकी। हम खाना खाएंगे, सर्विस भी हो गई है, उसके बाद घर चलेंगे डायरेक्ट। बाय, भूख लग गया। शुक्र अल्लाह का, शकर का कुछ मसला नहीं था, जो पीछे से किक होते हैं उसका कुछ मसला था, तो जो डाउट था वो निकल गया। हमारा खाना हमने घर से ही लाया था क्योंकि यहाँ ऑटो वगैरह बहुत दूर है। ये रही अपनी दिक्रो जो हमने खड़ा कर दिया है इधर इस वाले लोकेशन पे, पूरा देख सकते हो। गाइस अभी हम इस वाले लोकेशन पे आ गए, मेरे पीछे आप देख रहे हो। खाना तो हमने होटल में खाया क्योंकि भाई ने मना कर दिया, मैंने बोला बाग में जाएंगे, इसने बोला किसी और के बाग में क्यों जाएंगे, होटल में खाएंगे। फिर खाना खाया लेकिन सब कुछ तो ठीक हो गया, खुद थक गए हम। अभी हम डायरेक्ट घर जाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब पेज को फॉलो ज़रूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग रब के हवाले। भाई अभी बिस्कुट खा रहा है, अभी मैं भी खाने वाला हूँ।